Assalamu alaikum, I'm Sayyid Nadeem Shirazi, and today's topic of discussion is how to prepare philosophers. Political science ke andar philosophy portion, wo western philosophy ho ya aapki Muslim political thoughts ho, usme jitne bhi philosophers diye hue hain, un philosophers ko kis tarah se taiyar kiya jaye, uski ek approach hai, uski ek strategy hai, ek technique hai, wo main aap logon ke sath share karne ja raha hu. Ye bahut important topic hai. क्योंकि मेनली जो लोग पॉलिटिकल साइंस नहीं ऑप्ट करते उनको एक थ्रेट होता है वो जस्ट इस फिलॉसफी पोर्शन से होता है. तो इट्स इजी टू कॉम्प्रीहेंड, जस्ट दिस रिक्वायर्ड टेक्निक स्ट्रेटजी. अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके जो कॉन्सेप्ट्स है 100% क्लैरिटी के साथ आप इन्हें जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे. अच्छा, स्टार्ट करते हैं. लेट्स सपोज के आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, आप वहां से कोई एक टॉपिक, एक फिलॉसफर चूज करते हैं. उस फिलॉसफर को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या चीजें जो है वो रिक्वायर्ड हैं, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप किस तरह से उसको इफेक्टिवली अंडरस्टैंड कर सकते हो. एक तो तरीका है आपके पास लेक्चर प्रॉपर, आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, मतलब किसी भी अथेंटिक सोर्स से आप लेक्चर सुन रहे हो, उस लेक्चर से आपको कुछ उसकी जो कहानी है, उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके ओवरऑल जो सारी जो थेरीज हैं वो आपको क्लियर हो गई. ये तो है, आपने सुन लिया, आपने कहीं से पढ़ लिया. आपका क्या फोकस होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें आपको फोकस करनी चाहिए उसकी 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए. तो फॉर दैट पर्पज याद रहे कि हर फिलोसोफर की एक स्पेसिफिक अप्रोच ऑफ फिलोसफी है. इस अप्रोच ऑफ फिलोसफी को अगर आप इफेक्टिवली समझ लेंगे, इसको पिन पॉइंट कर लेंगे, तो आपको इसकी फिलॉसफी समझ लग जाएगी. व्हाट इज द अप्रोच ऑफ फिलॉसफी? ये एक ऐसा वे है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ऑप्ट करके ये एक वे टू नो अबाउट रियलिटी है. ये एक ऐसा आप कह लें कि पैरामीटर्स का सेट ऑफ पैरामीटर्स है कि जिनको आप अगर देखते हो तो हर फिलोसोफर ने उसकी एक डिस्टिंक्टिव अप्रोच होती है, वो अप्लाई करके उसके जरिए से उसने अपनी फिलॉसफी डिवाइस की होती है. तो ये प्रैक्टिकली मैं इसको आप करके, इसको आपको प्रैक्टिकली मैं करके भी देता हूँ कि किस तरह से इसको आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं. जस्ट ये चीजें जो हैं ये मेंशन करना पहले जरूरी है. देन पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस ऑफ इस टाइम, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू नो अबाउट दैट फिलोसोफर, हिज पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस, उसके टाइम के, उसके इरा के जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस हैं वो जानना बहुत जरूरी है. तब जाके आपको उसकी ये सारी फिलॉसफी समझ लगेगी, तब जाके उसको उसके आप ये पॉलिटिकल थ्योरीज, उसके पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, उसके जितने भी उसने अजम्पशंस उसकी होती हैं, वो सारी आपको इन सर्कमस्टांसिस से समझ लगेगी. इस सर्कमस्टांसिस में मेनली ये सर्कमस्टांसिस उसके अपनी स्टेट के होते हैं, मीन्स के उसके टाइम पे जो फ्रॉम दैट स्टेट, फ्रॉम वेयर ही इज, जो स्टेट, फॉर एग्जाम्पल आप हॉब्स की बात करते हैं, हॉब्स वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, तो इंग्लैंड उस टाइम पे उसके जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस थे, हॉब्स के टाइम पे जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस थे इंग्लैंड के, वो इफेक्टिवली अगर आप उनको स्टडी कर लोगे तो मींस उसमें आपको, आपके सामने चीजें क्या आएंगी, आपके सामने उसके इश्यूज आएंगे, आपको आपके सामने जो जितने भी सारे उसके जो क्योटिक सिचुएशन है वो सारी आएगी, वो जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो जो बेसिकली जिन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए उसने ये फिलॉसफी डिवाइस की है. ठीक है, मीन्स के उसके अपनी स्टेट के जो इश्यूज हैं उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है बाई डिवाइजिंग हिज ओन फिलॉसफी. इसके कॉन्सेप्ट से जो भी फिलोसोफर है, हर फिलोसोफर का यही एक जो एक फोकस रहा है कि अपनी स्टेट के जो कनंड्रम, क्योस, मडलसम सिचुएशन है, जो इश्यूज हैं, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया है. सो व्हाट इज इट व्हेन यू आर रीडिंग पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस ऑफ इस टाइम, आर रीडिंग अबाउट इस स्टेट, सर्कमस्टांसिस ऑफ इस स्टेट, यू आर रीडिंग हिस्ट्री, यू आर स्टडिंग हिस्ट्री. ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है. देन याद रहे कि हर फिलोसोफर के बैक पे एक फिलोसोफर होता है, मीन्स अगर बैकग्राउंड के फिलोसोफर को देखा जाए, इसकी फिलॉसफी को समझा जाए, तो आपको जो फिलोसोफर आपका टॉपिक होता है, जो कंसर्न होता है, जो आप पढ़ रहे होते हैं, वो फिलोसोफर अच्छे से आपको कॉम्प्रिहेंड हो जाएगा. लेट्स सपोज यू आर रीडिंग, यू आर स्टडिंग प्लेटो.
अब प्लेटो की पूरी फिलॉसफी कॉम्प्रिहेंड करने के लिए आपको सॉक्रेटिस की फिलॉसफी से एक्लिमेटाइज्ड होना पड़ेगा, ठीक है। सॉक्रेटिस ने क्या कॉन्सेप्ट्स दिए, उन कॉन्सेप्ट्स से बेसिकली प्लेटो ने वो कॉन्सेप्ट्स डिराइव किए, ठीक है। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कोई एक फिलोसोफर उसकी 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो अटेन करने के लिए। सो इसमें जो मेजर एक चीज है वो आपके माइंड में होनी चाहिए कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस फिलोसोफर और द फिलोसफी ऑफ दिस स्पेसिफिक फिलोसोफर, ठीक है। वो ठीक है, आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेजर फोकस होता है, जो पर्पस होता है, दैट इज द फिलोसोफर और द फिलोसफी इज कंसर्न विद स्टेट। उसका जो मेजर कंसर्न है दैट इज स्टेट, उसमें स्टेट को मेनली वो एड्रेस कर रहा होता है, अपने उस टाइम के स्टेट को। अब आपने उसको जस्ट फॉर दैट टाइम नहीं पढ़ना होता, आपने उसको अप्लाइड सेंस में पढ़ना होता है कि उसकी एप्लीकेशन क्या, जितने भी उसने कॉन्सेप्ट्स थ्योरीज जितनी भी उसने अपनी फिलॉसफी डिवाइस की, इधर दैट इज एप्लीकेबल इन प्रेजेंट इरा एज वेल, ठीक है। वो पाकिस्तान की सिचुएशन पे अप्लाई होती है, वो यूएस में अप्लाई होती है, वो किसी और सर्कमस्टांसिस में अप्लाई होती है, वो जो उसने अपने उस क्योटिक सर्कमस्टांसिस को जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, इधर दैट इज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान एज वेल, ठीक है। तो ये चीजें आपको फोकस करना होगी, तब जाके आप इफेक्टिवली देख सकते हैं कि उस फिलोसोफर ने क्या बातें की हैं और उसमें क्या बातें आज उसके जो कॉन्सेप्ट थ्योरीज हैं आज भी एप्लीकेबल है इक्वली, ठीक है। हम अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो की अप्रोच ऑफ फिलॉसफी क्या है, आइडियलिज्म, ठीक है। आइडियलिज्म से आपको पता चल जाएगा उसकी पूरी फिलॉसफी का, उसकी अप्रोच ऑफ फिलॉसफी से, उसके पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस को देखें, उसकी स्टेट को देखें, तो ही वाज एथेनियन, एथेन से था, ठीक है। तो ये सर्कमस्टांसिस उसकी, वो वहां पे गवर्नेंस कैसी थी, वहां पे पॉपुलिस्ट मैसेज कैसे थे, वहां पे जो ग्रीक सिविलाइजेशन है ओवरऑल, उसकी स्टडी, उस स्टडी हिस्ट्री जो है उससे आपको ये सर्कमस्टांसिस पता चल जाएंगे। देन उसके बैकग्राउंड पे जो फिलोसोफर है वो सॉक्रेटिस है, ठीक है। सॉक्रेटिस की फिलोसफी से अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको प्लेटो की फिलोसफी समझ लग जाएगी। सो इट वॉज माई कंसर्न, ये इसलिए वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है कि जो लोग खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो खुद से पढ़ते हैं तो इस अप्रोच से, इस टेक्निक को अप्लाई करके वो अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस फिलॉसफर को। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी जो प्रॉपर टॉपिक है फिलॉसफर के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।